हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो एज यू कैन सी सो मेनी ट्रेनीज आर हियर एंड दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज पैसिव वॉइस। बहुत बारी क्या होता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस को बोलने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है एंड दे गेट प्रॉब्लम्स एंड दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस को यूज करेंगे, जो कि यूज करना बहुत ही आसान है, और इन सारे ट्रेनिंग्स के माध्यम से मैं पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस कराऊंगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा व्यूअर्स कि ये सारे ट्रेनिंग्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एंड नो डाउट्स इन सारे लोगों ने भी मेहनत किया है। राइट नाउ दे आर एबल टू स्पीक एंड दे आर एबल टू मेक दोज ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। सो आर यू रेडी विद मी? यस और नो? राइट, सो लेट्स स्पीक द फर्स्ट सेंटेंस। अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन। काम किया जाता है, वर्क इज डन। काम नहीं किया जाता है, वर्क इज नॉट डन। राइट, अच्छा मैंने बोला वीडियो बनाया जाता है, वीडियो इज मेड, और वीडियो नहीं बनाया जाता है, वीडियो इज नॉट मेड। अच्छा मेरा वर्क किया जाता है, माई वर्क इज डन, और मेरा वर्क नहीं किया जाता है, माई वर्क इज नॉट डन। व्यूअर्स एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बोलते हैं तो हमें से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम पैसिव वॉइस को बनाते कैसे। वेल, पैसिव वॉइस को बनाना बहुत ही आसान है, इट इज वेरी इजी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज पे काम हो रहा है उस चीज को हमको पकड़ना है, उसके बाद हमको इज एम आर का यूज करना है, एंड लास्ट में आपको बोलना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस हो, उन सारे पैसिव वॉइस में हमेशा द Only a verb form comes and that is verb की कौन सी फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। यानी कि थर्ड फॉर्म हमेशा, कोई भी दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, हमेशा verb की थर्ड फॉर्म आता है। अगर मुझे बोलना स्पीक का जगह स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कंपेयर का जगह कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, रन का क्या जगह रन, रेन, रन, आस्क क्या हो जाएगा आस्क, 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 डेकोरेट का डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, रिहर्स का रिहर्स, 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 स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बिकम का बिकम, बिकेम, बिकम, become, became, become, come का क्या हो जाएगा come, came, come, run का run, rain, run, sit का sit, sat, sit, क्या हो जाएगा sit, sat, sit। अच्छा मैंने बोला कि open का open, opened, opened, right? Okay, Prem, now it's your turn, please tell me the one question, दरवाजा खोला जाता है, door is opened। अच्छा दरवाजा नहीं खोला जाता है, door is not opened। मेरा काम किया जाता है सुबह, my work is done। अब मेरा काम नहीं किया जाता, my work is not done। अंग्रेजी बोला जाता है क्लास में सुबह से लेकर शाम तक, English was English is speaking speaking class from morning to till you are absolutely wrong sir, English is not speaking, English is speaking नहीं होगा, यहाँ बोला अंग्रेजी बोला जाता है, English is spoken सुबह से लेकर शाम तक, from morning till evening। अच्छा काम किया जाता है, work is done। काम नहीं किया जाता है, work is not done। अच्छा मेरा काम किया जाता है, my work is done। मेरा काम नहीं किया जाता है, my work is not done। Now it's your turn Vinita, are you ready with me? Okay, my first question goes to you, लोगो, लोगो, you know, understand, I mean, do you understand, लोगो, लोगो बनाया जाता है, लोगो इज क्रिएटेड, लोगो इज क्रिएटेड, और लोगो नहीं बनाया जाता है, लोगो इज नॉट क्रिएटेड। आर यू नर्वस राइट नाउ? लिटिल बिट, लिटिल बिट। डिजाइन किया जाता है, डिजाइन इज डन, डिजाइन इज डन। अच्छा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है क्लास में, English is taught in class। ओके, मेरा काम किया जाता है, my work is done। मेरा काम नहीं किया जाता है, my work is not done। Now, रेखा, it's your turn। अंग्रेजी बोला जाता है सुबह से लेकर शाम तक, English is spoken from morning till evening। अंग्रेजी नहीं बोला जाता है सुबह से लेकर शाम तक, English is not spoken from morning till evening। Now I'm going to Saurav, it's your turn, please tell me, अंग्रेजी बोला जाता है मेरे साथ, English is spoken with you, with me, all right, speaking गलती हो रहा है, speaking नहीं आएगा, कौन सी फॉर्म आएगा, verb की third form, तो speak नहीं हो क्या हो जाएगा, spoken, घुमा के मारिए इसके मुंह पे, spoken होगा, क्या होगा, spoken, all right, अंग्रेजी बोला जाता है क्लास में, English is spoken in the class, okay, video बनाया जाता है, video is made, video नहीं बनाया जाता है, video is not made। अच्छा एक और क्वेश्चन, मोबाइल रिपेयर किया जाता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर नहीं किया जाता है, मोबाइल इज नॉट रिपेयर्ड। ओके, गेम खेला जाता है, नाउ इट्स योर टर्न राजू, गेम खेला जाता है, गेम इज प्लेइंग, गेम इज प्लेइंग, आई मीन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, गेम इज प्लेइंग होगा, गेम इज प्लेड होगा, गेम इज प्लेड, वंस इन गेम खेला जाता है, गेम इज प्लेड। ओके, अंग्रेजी बोला जाता है, English is speaking, English, English is spoken, English is spoken। अच्छा भोजपुरी बोला जाता है,
भोजपुरी वॉज भोजपुरी और भोजपुरी ओके भोजपुरी नहीं बोल भोजपुरी बोला जाता है भोजपुरी हाँ बोला जाता है भोजपुरी इज स्पोकन भोजपुरी नहीं बोला जाता है भोजपुरी इज नॉट स्पोकन अच्छा काम किया जाता है वर्क इज डन काम नहीं किया जाता है इज नॉट डन काम नहीं किया जाता है वर्क इज नॉट डन ओके शुभम अंग्रेजी बोला जाता है इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन नॉट स्पीकिंग अंडरस्टूड ओके काम किया जाता है वर्क इज डन काम नहीं किया जाता है वर्क इज नॉट डन ओके नाउ इट्स योर टर्न आशीष मैंने बोला कि अंग्रेजी बोला जाता है सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश इंग्लिश इज स्पोकन स्पोकन सुबह से लेकर शाम तक फ्रॉम मॉर्निंग टिल डोंट बी नर्वस आशीष अंग्रेजी बोला जाता है इंग्लिश इज स्पोकन सुबह से लेकर शाम तक का जगह फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ओके एक और सेंटेंस है दरवाजा खोला जाता है पहले दरवाजा का इंग्लिश बताओ ओपन ना दरवाजा का इंग्लिश ओपन हो जाएगा दरवाजा का इंग्लिश क्या हो जाएगा डोर 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 अच्छा डोर एक है कि अनेक है एक है हाँ तो डोर इज होगा कि डोर आर होगा डोर एक होगा डोर एक नहीं होगा डोर इज होगा डोर इज हाँ खुला जाता है क्या जाएगा हाँ डोर इज ओपन क्या जाएगा डोर इज ओपन और डोर नहीं खुला जाता है डोर इज नॉट ओपन ओके नाउ इट्स योर टर्न विनीता काम किया जाता है क्लास में वर्क इज डन इन द क्लास ओके मैंने बोला कि ये टॉपिक पढ़ाया जाता है This topic is taught. हाँ, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है This topic is not taught. Okay, now I'm giving you a complicated question. And that is, सब्जी बेचा जाता है सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में Vegetable is sell in market में In market. हाँ, सुबह से लेकर शाम तक From morning till evening. Okay, फिर भी कहीं ना कहीं गलत है क्या गलत है आप बताइए सेल की थर्ड फॉर्म का जगह सोल्ड नाउ मेक इट क्लियर वन सेकेंड मेक इट क्लियर Vegetable is sold by, in market हाँ? from morning till evening. Okay, absolutely right. Now it's your turn, Simran. मैंने बोला कि अंग्रेजी पढ़ाया जाता है इस इंस्टीट्यूट में. English is taught हाँ? in this institute. Chemistry पढ़ाया जाता है इस कोचिंग में. Chemistry is taught in this coaching. हाँ, in this coaching. अच्छा, मैंने बोला कि मोबाइल रिपेयर किया जाता है इस क्लास में. मोबाइल इज रिपेयर्ड इन दिस क्लास एग्जैक्टली ओके क्रिकेट खेला जाता है पिंकी नाउ इट्स योर टर्न क्रिकेट खेला जाता है क्रिकेट इज प्लेइंग इट इज राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग पिंकी कुछ देर पहले बिगिनिंग कर रही थी बीइंग के जगह पे बीइंग कर रही थी अभी बताओ कि क्रिकेट खेला जाता है बस मेरा इतना मेन क्वेश्चन है क्रिकेट इज प्लेड बोलो क्रिकेट इज पूरा बोलिए क्रिकेट इज प्लेड अच्छा मैंने बोला कि अंग्रेजी पढ़ाया जाता है इंग्लिश इज टॉट हाँ इंग्लिश इज टॉट नाउ इट्स योर टर्न रेखा अंग्रेजी बोला जाता है क्लास में इंग्लिश इज स्पोकन अच्छा मैंने बोला कि सारे बुक्स फाड़े जाते हैं ऑल द बुक्स आर टियर टियर की थर्ड फॉर्म का जगह टॉर टियर की थर्ड फॉर्म होता है टॉर नाउ इट्स योर टर्न नंदिनी कहानी लिखा जाता है राइट इज राइट स्टोरी इज राइट वगैरह 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 कहानी लिखा जाता है पहले बताओ क्या लिखा जाता है कहानी का अंग्रेजी बता दो स्टोरी के बाद इज रहेगा आर रहेगा तो स्टोरी इज और लिखना का अंग्रेजी बता दो राइट होगा लेकिन राइट फॉर रिटेन अब पूरा सेंटेंस बोले स्टोरी इज रिटेन एब्सोल्युटली राइट ओके अंग्रेजी बोला जाता है इंग्लिश इज स्पोकन काम किया जाता है वर्क इज डन काम नहीं किया जाता है वर्क इज नॉट डन राइट अच्छा रूम साफ किया जाता है रूम इज क्लीन और रूम साफ किया जाता है स्वयं के द्वारा रूम इज क्लीन्ड बाय सुबह अच्छा मैंने बोला अंग्रेजी बोला जाता है इंग्लिश इज स्पोकन और अंग्रेजी बोला जाता है सौरभ के द्वारा इंग्लिश इज स्पोकन बाय सौरभ अच्छा मैंने बोला कि रूम साफ किया जाता है सुबह से लेकर शाम तक रूम इज क्लीन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग मेरा किताब फाड़ा जाता है माय बुक इज टॉर्ट और मेरा किताब नहीं फाड़ा जाता है माय बुक इज नॉट टॉर्ट अच्छा अंग्रेजी बोला जाता है सुबह से लेकर शाम तक पोडियम के पास क्या जगह इंग्लिश इज स्पोकन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग नियर द पोडियम एब्सोल्युटली राइट यू ऑलवेज ओके दरवाजा खोला जाता है डोर इज ओपन अच्छा मैंने बोला कि काम किया जाता है इस इंस्टीट्यूट में वर्क इज डन इन दिस इंस्टीट्यूट एब्सोल्युटली राइट यू ऑलवेज आर डूइंग ग्रेट जॉब ओके मेरा मोबाइल रिपेयर किया जाता है माय मोबाइल इज रिपेयर और मेरा मोबाइल रिपेयर नहीं किया जाता है माय मोबाइल इज नॉट रिपेयर Understood everybody? Okay. अच्छा मैंने बोला कि चेयर तोड़ा जाता है चेयर इज ब्रोकन सारे चेयर्स तोड़े जाते हैं ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन नॉट इज ब्रोकन आर ब्रोकन
एब्सोल्युटली राइट. नाउ मेरा माइक रिपेयर किया जाता है, माय माइक इज रिपेयर्ड, और मेरा माइक रिपेयर किया जाता है इस मेरा माइक रिपेयर किया जाता है चंगुलाल के द्वारा. क्या जगह? माय माइक इज रिपेयर्ड बाय चंगुलाल. एब्सोल्युटली राइट. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस आई मीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब. स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक, स्पोक, स्पोकन. कंपेयर का कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर्ड. रन का रन, रेन, रन. सिट का सिट, सैट, सिट. ऑपरेट का ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड. कंपेयर का कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर्ड. लव का क्या जगह? लव, लव्ड, लव्ड. कमेंट का कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड. पॉइंट का पॉइंट, पॉइंटेड, पॉइंटेड. अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. ये ना कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेड, अंडरस्टैंडेड. सब चल रहा है ऐसे करके. तो इस तरीके से आपको किसी का ध्यान देना पड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से ये सारे ट्रेनीज ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बड़े ही आराम से ये सारे लोग प्रैक्टिस किए. एंड दैट इज पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही आसान रहा. इन सारे ट्रेनीज ने बड़े ही आराम से पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस किया. और पैसिव वॉइस में हमने क्या सीखा था? सिखाया भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. आगे की वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा व्यूअर्स की बहुत सारे पैसिव वॉइस को लेकर के आऊं, जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड दीज ऑल सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली यूजफुल फॉर द डेली कॉन्वर्सेशन. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. एंड आई ऑलवेज से इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश Only, do only one thing, and that is stop wishing. Start speaking. Thank you so much, everybody.